वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हूँ। अभी बज रहा है सुबह के 9:30। सारा घर का काम करके हो गया फिनिश कल, क्योंकि ज़्यादा काम था आज, बहुत कम काम था, सिर्फ खाना बनाने का और हल्का फुल्का झाड़ू वगैरह करने के लिए। आज मैं अच्छे से तैयार होकर ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अदरवाइज़ आप लोगों ने देखा ही होगा मैं कैसे करती हूँ स्टार्ट। भाई बिंदी रेडी हो गई। अब रह गया मेरे को मेन काम, वो लगाना, एंड उसके बाद कुछ काम नहीं रहता है। आज हम थोड़ा अपना हुलिया ठीक करते हैं, नेल पेंट भी बिगड़ चुके हैं वो करते हैं, एंड और टीवी देखती हूँ, फिर तुम लोगों से बीच बीच में मिलते रहेंगे आप लोगों से, ठीक है। ओ भैया मैं तैयार हो गई हूँ अच्छे से, कुछ अच्छे से नहीं, बस लिपस्टिक लगाई है और जादू, लिपस्टिक का जादू बोलते हैं इसको। और हमारा टीवी का रिचार्ज भी ऑब्वियस बात है अब ख़त्म होने वाला है, फिर हम करेंगे भी नहीं इस बार, बिकॉज शायद ही हम घर में होंगे तब करके। और मेरे को अब नेल पेंट करने के लिए मेरे पास थिनर तो है नहीं इसको रिमूव करने के लिए, तो हमारे पास एक जुगाड़ है। वेट, पिन जो चलो उससे कर लिया करो आराम आराम से। मैं पहले कर लेती हूँ, फिर ये देख लो मैंने अच्छे से नेल पेंट लगा के तैयार हो गई हूँ। और यहाँ पे हमारा जिमी, जिमी ये कौन है, कौन ये आदमी, कौन है कुत्ता है, ओ जिमी देखो। अभी ना 9:30 बज गया और अब जाके धूप आई यहाँ पे सीरियसली, इतनी ज़्यादा लेट। फिर मैंने सारे कपड़े धूप में ही निकाल दिए बाहर। ये हमारा प्यारा प्यारा दिवाली के टाइम में बहुत ज़्यादा सही लगेगा, गुलदस्ते की तरह पौड़ियों के पास। बिल्कुल चावल मैंने बना दिए और अभी कुछ काम नहीं रहता, बस धूप सेकने के अलावा। मम्मी और नबूदी बैठे हो गाय चराने के लिए, और ये हमारा झुमरू, नीचे मम्मा। इधर बहुत ज़्यादा सही है हमेशा की तरह। मतलब 12-1 बजे के बाद गाय वगैरह चरा के 12 बजे वापस खाने वगैरह खा लिया था हम लोगों ने। अभी बज रहा है 3 और मैं आई हूँ अभी रसोई में। अब दाल चढ़ाएंगे शाम के लिए, राजमा की दाल भीगने डाल के रखी थी मैंने सुबह, चलो आज देखते हैं शाम की रूटीन क्या होती है, ठीक है। राजमा है, अब राजमा में हम डालेंगे थोड़ा सा कोई भी ऑयल, ताकि जब सिटी आए तो फिर ये बना रखती मैंने चढ़ा के। अब ना चाय बनाते हैं, ये रख दिया मैंने यहाँ पे चाय, थोड़ी देर बाद दाल भी खुल जाएगी, चाय भी हो जाएगी। एंड अभी बस 10 मिनट रह गया और देखते हैं दाल हो जाएगी। 10 मिनट तक वेट कर, मैंने 40 मिनट एटलीस्ट दाल रखी है ताकि अच्छे से, बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब दाल हो जाए। प्याज टमाटर मैंने ऑलरेडी कट कर दिया था, वो बताया नहीं बिकॉज क्योंकि मैं फ़ोन में बात कर रही थी, उससे दाल होने वाली। मम्मी के अभी खास खास में शाम को तब तक मैं बंदर चौकती हूँ ऐसे तुमको। ये मैंने यहाँ पे चॉप कर दिए थे टमाटर, और ये है हरी मिर्च और प्याज को भी मैंने अच्छे से कर दिया है चॉप। चॉप नहीं बेसिकली चॉपर में चॉप किया, इतनी अच्छी चॉपर तुम्हें होनी बेसिकली। दाल होती है उतनी देर में फटाफट से पहले कपड़े वगैरह उठा देती हूँ, यहाँ पे कुछ कपड़े उठाने को रह गए वो उठा देती हूँ, फिर बाकी क्योंकि बारिश तो नहीं हो रही, बस हवा चल रही है हल्की हल्की, तो उठा के रख लेते हैं। मौसम मौसम वगैरह मैंने सारे निकाल दिए कपड़े परे से, और अब इनको ऊपर रखने का काम। और दाल भी होने वाली है थोड़ी देर में, इनको ऊपर खाएंगे यहाँ पे रख के। मतलब अभी मैंने यहाँ पे इसको गैस इसकी बंद कर दिया और इसको रख दिया थोड़ी देर हीट, जब इसके अंदर भाप है उसी से होने के लिए,
तब तक मैंने यहाँ पे कढ़ाई में तेल डालती हूँ, तड़का लगा लेती हूँ, क्योंकि टमाटर को होने में वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है वैसे तो। तब जितनी देर में मेरा तड़का हो जाएगा उतनी देर में दाल भी हो ही जाएगी, पता लग जाएगा दाल हुई कि नहीं हुई, नहीं तो एक दो सीटी और लगा दूंगी मैं। बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं अभी बता रही हूँ, रोहित ने मेरे को कुछ बताया फ़ोन करके, जो कि मैं तुमको कल वाली वीडियो में आ गई, जब तक मेरे हाथ में नहीं वो चीज़ पहुँच जाती तब तक मैं तुम लोगों को नहीं बताऊँगी। बट ये बात है कि मैं बहुत से भी इतनी ज़्यादा खुश हूँ मैं, मतलब ओ भाई मेरे को इतनी खुशी हो रही ना, मैं क्या बताऊँ इस टाइम यार। देख लो रोना आने वाला मेरे को थोड़ी देर में। खुशी हो रही मेरे को ओ भाई, चक्कर में मेरा तड़का जलने वाला, भाई जल्दी जल्दी करती मैं, रुके, चक्कर में मेरा तड़का ऑलरेडी ऑलमोस्ट जल ही गया था, बट स्टिल मैंने फटाफट से उसको बैलेंस कर लिया। अब टमाटर रख दिया मैंने अच्छे से होने के लिए, फिर दाल का भी मैं देखती हूँ, ठीक है चलो कल बताऊँगी या फिर परसों तक, या पता नहीं यार शाम तक भी आ सकता, वैसे कोई बात नहीं, पर वीडियो तो कल वाली में ही वो पता लगेगा, ठीक है। गाइस मैं ऑलमोस्ट रेडी, और क्योंकि तेल छोड़ने लगा है दिख रहा होगा ना ये वाला, तो इसका मतलब होता है तड़का रेडी हो चुका है, ठीक है। इसको अच्छे से हल्का हल्का मैश कर दूंगी मैं थोड़ा सा, बाकी तो हो गया, अभी अच्छे से पक गया है, क्योंकि मैंने पहले सीटी खोल के देखा था, तो दो तीन सीटी मैंने और लगाई ताकि अच्छे से हो जाए ये, मतलब हो तो गए थे ये, बट फिर भी मैंने थोड़ा सा इनको और होने दिया अच्छे से, ताकि मतलब राजमा जितने ज़्यादा पकेंगे उतने ज़्यादा अच्छे बनेंगे, ठीक है। इसका कलर इतना ज़्यादा वो लग रहा है ना, टेम्पटिंग सा, सी दाल, अब इसको उबलने देंगे, क्योंकि इसमें हल्का सा पानी डाला मैंने, क्योंकि इसको करने भी देना, नमक वगैरह सब कुछ टेस्ट करके डाल भी दिया मैंने। मोर थिंग, ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी है ना, मैंने इवन अपनी लाइफ में खुद के हाथों से इतनी टेस्टी दाल कभी नहीं खाई, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे, बाकियों का मैं बता नहीं सकती, जब शाम को खा लेंगे उसके बाद बता दूंगी, ठीक है। अदरवाइज़ ये पापा ने मेरे को बताया था कि टमाटर के अंदर तुम अगर लहसुन को करोगे ना, मैंने उस टाइम जो चॉपर में लहसुन टमाटर के साथ चॉप किए हुए थे तो वो डाला था, और इतना मस्त लग रहा है ना भाई, घर से तगड़े वाली दाल बनी है। इसके साथ मैंने चावल भी चढ़ा दिए, इतनी जल्दी मैंने इसलिए चढ़ा दी क्योंकि पापा सीधे आएंगे, तो फिर ऐसा होता है कि उनको थोड़ा हल्का ठंडा खाना पसंद है, इतना ज़्यादा गर्म गर्म और उनको लेट भी हो जाता कई बार, तो जल्दी खाना पसंद नहीं है, तो मैंने सोचा जल्दी चावल बना दूंगी उनके आने तक, ये हल्के से ठंडे हो जाएंगे, ज़्यादा गर्म गर्म नहीं होंगे ना, इसलिए अभी चढ़ा दिए, और जब तक वो आ जाएंगे खाना तैयार होगा तो आराम से बैठ के वो खाना ही खाएंगे, ठीक है। और मेरे को पानी लाना रह गया है, जो कि मैं दाल उबलने के बाद चली जाती हूँ फिर, क्योंकि थोड़ा सा टाइम भी लग जाता, पर क्योंकि मम्मी थोड़ी देर बात करूँगी फिर यहाँ पर आऊँगी। शाम का टाइम हो गया और इट्स वेरी वेरी बॉर्डर, क्योंकि शाम को लगाना पड़ता है, अभी 4-5 बजे, साथ में अब चाय बन रही है मेरी, क्योंकि परे मम्मी घास काट रहे थे, वे एक मामा है वो आ गए होंगे, तो उनके लिए चाय लेके जा रही हूँ परे, मम्मी को भी और पापा को भी बना के रख रही हूँ चाय, क्योंकि वो भी थोड़ी देर में पहुँचने वाले, या तो उनके लिए फिर दूध ख़त्म हो जाता, फिर बेचारों को काली चाय पीनी पड़ती, इसलिए मैं उनको वह दूध वाली चाय बना के रख रही हूँ। इसलिए जस्ट अभी मैं पानी लेके भी आगे पीछे रख दिया मैंने, और पापा वगैरह भी आ गए, पापा को तो मम्मी ने अपनी चाय दे दी और मेरे चाय बनाने का वेस्ट ही हो गया सीन सारा। चलो कोई बात नहीं, आके दोबारा पियेंगे तो ठीक है, नहीं तो गाय को डाल दूँगी मैं। अभी चावल होने में वो काफ़ी ज़्यादा टाइम है, भी शायद हो रहे हैं वो, थोड़ी देर बाद मिलती हूँ मैं, ठीक है। अभी जस्ट मैं खाना वगैरह खा के, तो हम बहुत ज़्यादा पहले फ्री हो गए थे, बट हम थोड़ी देर गप्पे शप्पे लड़ाई, हमने ब्लोअर के आगे बैठे, गरम गरम टांगे वगैरह की, फिर मैं रूम को आ गई नाटक देखने के लिए मेरे। अभी बज रहे 7:30 और खाना आज बहुत ज़्यादा अच्छा बना था, जैसा कि मैंने कहा उतना भी नहीं बट ठीक था, मेरे लायक तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। नमक की थोड़ी कमी हो गई थी, क्योंकि मेरे से हमेशा नमक थोड़ा कम ही पड़ता है, अदरवाइज एवरीथिंग ओके। और आज का ब्लॉग यहीं पे करती हूँ मैं एंड, और कल के सरप्राइज़ के लिए रेडी ओके। कल शायद कल पक्का ही आ जाए, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो आप भी हो जाओ। इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, एंड आई होप यू एंजॉय द ब्लॉग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय।